के महापर्व में इस बार बीजेपी ने बड़े बड़े नाम उतार दिए हैं, कुछ ऐसे नाम जिन्हें पहचान की जरूरत ही नहीं। ऐसे ही एक शख्स के साथ मैं इस वक्त हूँ, मेरे साथ हैं ध्रुव नारायण सिंह जी। ये नाम काफी सुनने में आया होगा, कभी दबंगई में, कभी अच्छे व्यक्ति के रूप में, कभी कॉन्ट्रोवर्सी में, और इस बार फिर विधायक का चुनाव लड़ने के लिए जमीन पर है। ध्रुव नारायण सिंह जी, आपको पहले तो टिकट मिली है और काफी मशक्कत करनी पड़ी आपको दोबारा अपने पैर जमाने के लिए। नहीं, मैं तो सहज रूप से काम करता था। जब मुझे पार्टी ने टिकट दोबारा नहीं भी दिया तो भी मैं अपने काम से अलग नहीं हुआ और जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में रहा। मेरा कार्यालय लगातार चलता रहा, तो मैं सहज रूप से काम करता रहा। तो नेताओं के ध्यान में भी ये बात थी और मैं राष्ट्रीय नेताओं का और प्रदेश के नेताओं का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने जनता की आवाज और कार्यकर्ता की आवाज को महत्व दिया और इस बार ये सीट वापस भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। ये जवाबदारी मुझे सौंपी। आप इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, आपने अपनी राजनीति की शुरुआत जो है बहुत नीचे स्तर से शुरू किया। आप पार्षद बने, आप अध्यक्ष बने एमपी टूरिज्म में, फिर आप विधायक बने और इस बार फिर इस लड़ाई में उतर आए हैं। आपके सामने आ रहे क्या लगता है आपको? देखिए, क्या होता है कि जब हम अखाड़े में उतरते हैं तो सामने पहलवान कौन है इससे हमें मतलब नहीं, हमें तो उसको पछाड़ के और हमें वो लड़ाई जीतनी है। तो सामने अपने जिसका नाम लिया वो है तो अच्छी बात है, कोई और होता तो अच्छी बात होती, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पहलवान है, अब अखाड़े में उतर रहे हैं तो पहलवान ही होंगे, वो तो कांग्रेस पार्टी जाने किसको उतारा उन्होंने, पर जब रिंग में उतर रहे हैं तो रिंग में तो पहलवान ही उतरते हैं, तो ओके। मुझे उनकी पहलवानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बाकी उनकी पहलवानी मैंने गदर फिल्म और बाकी भोपाल में काफी उनकी वारदातों में, आजकल तो सूची भी चल रही है 40-50 केस कितने हैं, तो वो पहलवानी तो दिख रही है, बाकी सियासी पहलवानी के बारे में तो समझ में आएगा भी समय के साथ साथ। राजनीति में आप काफी लंबे समय से, आपके मेंटर कौन थे? देखिए, क्या है कि मैं राजनीति परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर प्रधानमंत्री थे प्रदेश के, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, तो मैं राजनीति में हूँ, काम करता हूँ, कार्यकर्ता। मैंने संगठन को सर्वोपरि माना और माननीय कुशा भाव ठाकरे जी के नीचे मैंने काम देखा, सीखा, उनके साथ काम किया और संगठन को ही सब कुछ मानता हूँ। बहुत से नेताओं से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और वो लोग मेरा ध्यान भी रखते हैं, लेकिन मैं अपने आप को संगठन के गुट का ही मानता हूँ। ध्रुव नारायण जी संगठन के गुट के व्यक्ति हैं, अब बात करते हैं कि इस बार चुनावी मुद्दे उनके क्या क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं। देखिए, मुद्दा साफ है, हम मांग रहे हैं वोट अपने राष्ट्रीय नेता, अंतरराष्ट्रीय जो एक चमकदार व्यक्तित्व है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। पार्टी ने जो राष्ट्र स्तर पे काम की, आज भारत में जो अंतरराष्ट्रीय छवि बनी भारत की, उसके नाम पे वोट मांगे। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए काम, उनके द्वारा की गई तमाम घोषणाएं जो आज इम्प्लीमेंट होकर सड़कों पे और घरों घरों तक पहुंच रही हैं, उस पे वोट मांगेंगे। हम वोट मांगेंगे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और काम करने के तरीके पे। हम वोट मांगेंगे अपने, मेरे जो विधायक था उस कार्यकाल में जो मैंने काम किए, जिसकी मैंने किताब भी छपवाई, जिसमें पूरे काम सचित्र है, एक एक काम, उस पे वोट मांगेंगे। और हम वोट मांगेंगे मौजूदा विधायक की असफलता के नाम पे। कांग्रेस पार्टी जब 15 महीने शासन में थी, जिस तरह से कमलनाथ एक असफल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोई घोषणा नहीं इम्प्लीमेंट की जो भी उन्होंने चुनावी घोषणाएं की थी, और उन्होंने सारी लाभकारी योजनाएं जो जनता की थी वो क्लोज की, तो उसके नाम पे। तो हमारे मुद्दे असंख्य, मैं जब भाषण देने खड़ा होता हूँ तो सोचता हूँ कि भाषण में पूर्ण विराम कब लगाऊं, क्योंकि इतनी चीज बोलने को रहती है। क्या लगता है कितने वोटों से जीत सकते? देखिए, जीत होते हैं ये कोई भी बता देगा, जब आप मेरे सामने वाले प्रत्याशियों के या प्रत्याशी के चेहरे में भी देखेंगे तो उसके चेहरे पे भी मेरी जीत साफ लिखी दिखाई देगी। मेरा भय, मेरे से उसका जो एक वो है घबराहट, वो आपको साफ दिखाई देगी। तो अब गिनती आंकड़े ये तो फोल्डिंग हो जाती थी, उसके बाद की बात है, वो भी बता दूंगा, लेकिन एक बार जरा वोट पड़ जाए
उसके पहले इन बातों पे ज्यादा डिटेलिंग करना ठीक नहीं। तो ये हम बात कर रहे थे ध्रुव नारायण सिंह जी से, जो साफ बता रहे हैं कि जीत उनकी ही होगी, सामने वाले के चेहरे पे खौफ साफ नजर आ रहा है। मध्य क्षेत्र से ध्रुव नारायण सिंह जी विधानसभा चुनाव में उतर चुके हैं, अपनी जीत का पूरा दावा कर चुके हैं। सर जुड़े इस तरह आपका बहुत बधाई। थैंक यू, आपने मुझसे चर्चा की, इसके लिए आपको बहुत बधाई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।